चलो अच्छा हुआ मैं बाहर आ गया। अरे तू बाहर आ गया? अब हो गई तसल्ली। थैंक यू यमदूत। लेकिन मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, पोस्टमैन या बस कंडक्टर? अब तुम पुलिस हवलदार हो। हवलदार हूँ? हवलदार? 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 तुम्हीं कहा था ना कि मुझसे ज्यादा सुखी तो वो हवलदार हैं। अरे वो तो मैंने झल्ला कर कह दिया था, मुझे क्या मालूम था तुम चुटकी बजाकर मुझे हवलदार बना दोगे, वरना मैं सोच लेता ना। सोच कर चलते तो ऐसी नौबत ही क्यों आती। ईश्वर, 90% लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वो सोच कर नहीं चलते। लेकिन हवलदार यानी वो क्यों? हवलदार बनने में कोई तकलीफ है तुम्हें? अगर मैं हाँ कहूँ तो? ठीक है, मैं तुम्हें फिर से अंदर डाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यही ठीक हो। वैसे मैं बचपन में हमेशा चोर सिपाही खेला करता था। अच्छा? हाँ, हालांकि मेरे नसीब में हमेशा चोर का ही रोल आता था। अब जिंदगी में पहली बार मैं सिपाही बन गया हूँ और अभी चोरों की मैं जमकर धुलाई करूंगा। हंस क्यों रहा है तू? धुलाई करोगे? अरे तुझे मालूम नहीं यमदूत इस वर्दी की ताकत क्या है? हाँ, मैं खुद हवालदार से हमेशा डरता था। क्यों? वैसे क्या है, व्हाइट कॉलर लोग हमेशा यूनिफॉर्म वालों से डरते हैं। रेलवे स्टेशन पे मैं टीसी से डरता था, उसे देखकर लगता था कि मेरा पास खत्म हो गया है। अरे ईश्वर, तुम्हें मालूम है? है एक बार एक टीसी ने मुझे पकड़ा था। ऊपर? नहीं, नहीं नीचे। नीचे? तुम्हें पकड़ा था? तूने क्या किया फिर? मैंने उसे कह दिया कि भैया टीसी, अब तुम्हारा पास खत्म हो चुका है। अच्छा, तुम्हारी बात ही अलग है यार, तुम तो सबके टीसी हो। खैर, ये नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे तू? अरे भाई, मैं भी तो यूनिफॉर्म वाला हूँ, तुम यहाँ के हवलदार और मैं ऊपर का। अच्छा ईश्वर, ये लो तुम्हारा हवलदार दोस्त शिंदे तुम्हें बुला रहा है। ये हवलदार शिंदे है? मेरा दोस्त है। ईश्वर, मोरे साहब बुला रहे हैं। कौन मोरे साहब? क्या मोरे साहब? कौन ये मोरे साहब? कौन है? तुम्हारा नया बॉस इंस्पेक्टर मोरे। अच्छा, कैसा है? बस ये समझ लो ईश्वर कि तुम्हारे नसीब में अच्छे बॉस का सुख ही नहीं है। ए यमदूत, मुझे पुलिस स्टेशन में अकेला छोड़ के मत जाना। अरे घबराते क्यों हो यार, तुम एक हवलदार हो, मुजरिम नहीं हो। फिर भी तुम मुझसे ज्यादा देर तक दूर मत रहना यार। चिंता मत करो ईश्वर, जिस तरह एक हवलदार तमाकू खाने के लिए समय निकाल लेता है, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कभी कभार समय निकाल लूंगा तमाकू। ओके, बाय बाय। लेकिन यमदूत किससे बात कर रहे हो? किससे नहीं, चल। ए, वो मोरे सब तमाकू खाते हैं? नहीं। चल। तुम तीनों को अंदर ही कर देता हूं मैं अभी। ईश्वर कहाँ गए वो हवलदार? ईश्वर, ईश्वर साहब को सलाम करो। हाँ सलाम साहब। जी सर। यस सर। तुम्हें कहीं देखा है मैंने पहले? ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो ट्रांसफर होके आया है। सारा कचरा मेरे ही पुलिस स्टेशन में डाल दो। कचरा? कैसा है तू, ठीक तो है ना? पहले कहाँ काम किया तूने? वो प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। गुड। व्हाट साहब, रात को थोड़ा जरा समझ गए ना? मुझे तो ये दिन में भी थोड़ा लग रहा है, देखो कैसे खड़ा है। सीधे खड़े रहो। कौन? हाँ मैं। इन तीनों को अंदर डाल दो, चलो। अंदर किधर? अंदर किधर? अरे अंदर का मतलब कस्टडी में, इतना भी नहीं समझता है, बाद में बोलेगा मोरे साहब खड़ूस है। चल 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 चल, मैं ये दोनों को अंदर डालता हूँ, तू उसको लेके आ। ये चले चल अंदर। अरे ये तीसरे को भी लेके जाओ ना। चलेंगे? मैंने कहा चलेंगे, चलो ना। ऐसे क्या कर रहे हो? ए क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? हवलदार किसने बनाया तुमको? यमदूत ने। व्हाट? अबे अकल के दुश्मन, बदमाशों के साथ इस तरह पेश आते हो तुम? चलो ना,
ऐसा भी क्या है? बीवी है तुम्हारी? नहीं नहीं ये बीवी है। झापड़ मारो इसे। देखो इसे। पता है इसने क्या किया? नहीं पता है इसने क्या किया? नहीं शराब पीकर शरीफ औरतों को छेड़ा है इसने, गाली गलौज की है इसने। चलो अंदर ले जाओ इसे, अंदर ले जाओ और एक झापड़ मार के अंदर ले जाना, समझा? यस। चलो। यस सर। यूज़लेस। ए गाली गलौज किया है, मारू क्या? नहीं दारू पीता है? नहीं मारने का थोड़ा औरतों को छेड़ता है? अरे मैं मारा ही नहीं तो चिल्ला रहा है गाय को। अरे क्या हुआ? नाक को कुछ हुआ उनके? अरे पानी लाओ, बर्फ लाओ, पंखा चलाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चल 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 भाग यहाँ से। अरे तू घर जा। एक मिनट एक मिनट। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? टॉयलेट कहाँ है? यहाँ टॉयलेट नहीं है, रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता है। सब लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन में टॉयलेट ही नहीं है। तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे आज ही पुलिस में भर्ती हुआ है। अरे आज ही तो भर्ती हुआ हूँ। जा जा घर जाके सो जा। किसके? हाँ मेरे घर। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं। इसीलिए मैं तुमको बोलता हूँ, जब मॉर्निंग ड्यूटी हो तो रात को लिया मत करो। कौन लेता है? अरे रुक रुक, चाय वाला इधर आ। ये ले चाय पी, बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। कितने पैसे हुए? जेब में से हाथ निकाल। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? तू जाना। लेकिन पैसे दे रहे थे ना उसके? आज तो मुझे तुझे घर ही छोड़ना पड़ेगा। मेहरबानी होगी, इस बहाने मेरा घर कहाँ है ये तो मुझे पता चलेगा। क्या? चल आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ। अरे अंदर आओ ना यार। क्या हुआ शिंदे भैया, कौन आया है? ईश्वर। और कौन? तो फिर उन्हें अंदर क्यों बुलाना पड़ रहा है? हो क्या है क्या? नहीं नहीं आज तो डायरेक्ट आया है, लेकिन पता नहीं आज उसे हो क्या गया। अरे क्या हुआ? पता नहीं सुबह से अजीब सी हरकतें कर रहा है। चाय वाले को पैसे दे रहा था जैसे इसे पता ही नहीं चाय वाले के पास सबका अकाउंट है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ये अपना घर है, अपना अपना ही घर है, अपना ही घर है। लेकिन इतना सा पहली बार आए हो क्या? हाँ? आराधना भाभी आप ही समझाइए इसे, मुझे बोल रहा था मुझे मेरा घर मालूम नहीं। लगता है नवरात्रि की ड्यूटी इनको भारी पड़ गई। मतलब डे नाइट कर रहे थे ना, डे को ड्यूटी कर रहे थे और रात को गरबा। हाँ समझे, मैं तो चला। ईश्वर कल बंदोबस्त को जाना है मालूम है ना? बंदोबस्त का मतलब क्या है? देखो ना भाभी कैसा बचकाना सवाल कर रहा है, आप ही समझाइए इसे बंदोबस्त का मतलब क्या होता है। बंदोबस्त का मतलब है गुंडों के भाग जाने के बाद लागू की गई सिक्योरिटी। अब समझे, अब जल्दी सो जाओ मैं तो चला। अचानक सब कुछ चेंज हो गया है नहीं? क्या चेंज हुआ है? सब कुछ सेकंड हैंड ही तो है। हाँ सब सेकंड हैंड है, सच कह रही हो तुम, सब सेकंड हैंड ही तो है। तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ मैं चाय बनाती हूँ। ए चाय रहने दो, आओ मेरे पास बैठो। क्या? मैंने कहा मेरे पास बैठो। सपने में तो नहीं? बहुत दिनों बाद मुझे अपने पास बिठा रहे हो। क्या बात है, चंपा का ट्रांसफर हो गया क्या? कौन चंपा? कौन चंपा? क्यों नाटक कर रहे हो? कल तक तो चंपा हवालदार मेरी सौतन बन रही थी। ए, क्या बात कर रही तू? वो लफड़ा मेरा नहीं है, वो जो पहले हवालदार था ना उसे मैंने। ठीक है ठीक है, लेकिन उस चंपा से जरा बच के रहना। क्यों? उसका भाई बड़ा बदमाश है। बदमाश है? अव्वल दर्जे का। तो किसको बच के रहना चाहिए, उसे या मुझे? आज बड़े बहादुर बन रहे हो। अरे बहादुर बन रहे तो क्या बनूं? वो बदमाश है, मैं पुलिस हूँ, किसको किससे बच के रहना चाहिए? चाचा जी। अरे चाचा बनो मुझे। माँ मेरे को खाना दो ना, मेरे को भूख लगी है। बापू। बापू कौन है? मैं बापू। बापू तुम जल्दी आ गए, आज दिवाली है। दिवाली में ये कभी घर पर होते हैं? बापू अच्छा हो गया तुम जल्दी आ गए। क्यों? मेरे को ना कल पिक्चर देखने का है। मेट्रो में बड़ी कड़क पिक्चर लगी है। अच्छा? ब्लैक चल रहा है। मेरे को इंटरवल में आइसक्रीम खाने का पैसे दो ना। थिएटर के बाहर बैठ के आइसक्रीम खाओगी?
टिकट के लिए पैसे नहीं लगते। टिकट का बंदोबस्त हो गया। अच्छा? हो गए? वो मंगला है ना, उसके बापू उसी एरिया में ड्यूटी पे है, वो ब्लैक वालों पे कल छापा मारेंगे। तो ब्लैक में बिकने वाला टिकट तुम लोगी? तो क्या, लास्ट टाइम तुमने तो दिया था रीगल वाली फिल्म का। हाँ। मैंने कब दिया था? हाँ मैंने दिया था। सुन हेमन भी आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हेमन को हम लोग नहीं लेंगे। वो हमेशा किसी ना किसी से झगड़ा करता है। लास्ट टाइम मालूम है ना क्या लफड़ा हो गया। मेरे को नहीं चाहिए। ये हेमंत है? अरे हेमंत, ये क्या हुलिया बना के रखा है तूने? गले में रुमाल क्यों बांधा है? क्या बापू, अपन तो बचपन से ऐसा ही है। ये बचपन से ऐसे ही है तो मारामारी क्यों कर रहा था तू? वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा था। काहे की चीटिंग? मैं रोज के माफी अड्डे पे तीन पत्ती खेल रहा था ना, तो तीन पत्ती में वो मेरे साथ चीटिंग करने लग गया। ये तीन पत्ती भी खेलता है? उसमें कौन सी नई बात है? तू तीन पत्ती खेलेगा तो पुलिस तुझे पकड़ के ले जाएगी। पुलिस? पुलिस। हाँ मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे वहाँ क्या जा रहे हो? मुझे मालूम है घर वहाँ है। कैसे दे रहे हैं? 6 रुपया पाव साहब। ठीक है, ये भाजी है साहब। भाजी है? नहीं समझे, झाड़ू है। अरे कैसी कैसी पुरानी भाजी रखते रहे तुम लोग, ताजा भाजी नहीं है क्या तुम्हारे पास? ताजा है साहब, ताजा है। ताजा है। ये क्या है? वो नींबू है साहब। नींबू है? कैसे दिए तो? वो 2 रुपये एक साहब, 2 रुपये। 2 रुपये ठीक। क्या है रे, ये आलू है या पत्थर है? कितने छोटे छोटे आलू? क्या करें साहब, इतने मोटे आजकल आलू मिलते हैं। तू ही खा। ये बैंगन कैसा दिया रे? 20 रुपया? इतना महंगा क्या बेचते हो तुम लोग, समझ नहीं आता। बहुत महंगा है। अरे अरे, मैंने अभी तो कुछ मांगा ही नहीं और मेरी थैली में ये सब कहां गया? ए सब्जी वाले, किसी दूसरे ग्राहक की सब्जी मुझे दी है क्या? और कुछ मांगता है साहब? अरे मैं यही वापस कर रहा हूँ। नहीं साहब, नाराज मत होइए, लीजिए 1 किलो फ्लावर भी डाल देता। अरे नहीं रे, मेरी बीवी ने मुझे टमाटर लाने को कहा था। ऐसा बोलो ना साहब, टमाटर। अरे क्या कर रहे है? अरे तू, अरे क्या कर रहे है? आलू प्याज कहाँ से आया मेरे थैली में? क्या बात करते हो साहब, क्या प्याज और आलू सड़ेला है क्या? बोलो तो चेंज कर दूं। चेंज नहीं, मैंने इसके पैसे नहीं दिए अब तक। दिया था साहब, दिया था, अंदर है ना। आपने 100 का नोट दिया था, मैंने छुट्टा अंदर डाल दिया। 100 का नोट दिया था? अरे 100 का नोट कहाँ से आया मेरे पास? मेरी बीवी ने तो सिर्फ मुझे 50 रुपये ही दिए थे। ए ए सुनो, ए सुनो, ये दूध ही कहाँ से आया मेरे थैली? मेरे आसमान से आया साहब, आसमान से। ये दूध ही का पेड़ लगाया है क्या? आसमान से दूध ही गिर रहा है? इतने बौखले हुए क्यों? ए अर्ना, देखो ना, मैंने सिर्फ यहाँ से वहां तक राउंड लगाया तो अपनी थैली कितनी भर गई, हालांकि मैंने खरीदा नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो चलो घर चलो। नहीं लेकिन ये रिटर्न करना चाहिए ना। अरे मैं रिटर्न करती हूँ, चलो घर चलो। और देखो इसमें 5-10 के नोट भी कितने पड़े। सुनो, तुम्हारा आज बंदोबस्त है ना, चलो चलो। नहीं लेकिन रिटर्न करना। चलो क्या बात है आराधना भाभी, आज आपके पति को क्या हो गया? थैली में दूधिया देख कर हैरान हो रहे थे। वो क्या है ना कि आजकल वो नाइट ड्यूटी करते हैं ना। अच्छा। रात को ज्यादा सोते नहीं, इसलिए। ए शिंदे, क्या है ईश्वर? ए तुझे एक बात का पता है, हम किसका बंदोबस्त कर रहे हैं? कोई नेता आ रहा है शाम के 6 बजे। हाँ। शाम के 6 बजे? तो हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वही परंपरा है। काहे की परंपरा? वो क्या है, जब शाम 6 बजे बंदोबस्त रहता है तो सबसे ऊपर वाला साहब अपने नीचे वाले साहब को बोलता है 5 बजे से बंदोबस्त रखो। उसके नीचे वाला साहब अपने नीचे वाले साहब को बोलता है 4 बजे से बंदोबस्त रखो। उसके नीचे वाला साहब अपने नीचे वाले साहब को बोलता है बंदोबस्त 3 बजे से रखो। करते करते जब वो ऑर्डर हम लोगों तक पहुंचता है तो हमें सुबह 7 बजे उठना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों है, हर एक ऑफिसर अपने नीचे वाले आदमी को इतनी जल्दी क्यों बुलाता है? उसे डर लगता है कहीं नीचे वाला लेट आ गया तो। अरे मुझे इतना नीचे वाला आदमी क्यों बनाया? ईश्वर क्या बक रहा है?
क्या है, सुबह से मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, आसपास कहीं टॉयलेट भी नहीं दिखता है। कहीं टॉयलेट नहीं दिखाई देता है तो सारी दुनिया टॉयलेट समझ लो। जा कोई कोना पकड़ के कर ले यार। किसी ने देख लिया तो? शाम के 6 बजे तक यहाँ कोई भी नहीं आएगा, तू डर मत, जा यार। सामने सामने कमाल करते हो ईश्वर, मैंने कहां फंसाया तुम्हें? देखो ये चुटकियां बजाने की इतनी जल्दबाजी मत किया करो यार। जल्दबाजी मैंने कहां की? मैं तो उस वक्त चुटकी बजाता हूं जब तुम मौजूदा हालात से तंग आकर मेरे पास बदलाव की गुजारिश लेकर आते हो। हाँ वो भी ठीक है। नहीं ये हवालदार की लाइफ बहुत हार्ड है यार। तुझे मालूम है मैं कहां रहता हूं? कहां? मैं तकरीबन झोपड़े में रहता हूं। एक ही कमरे में मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे रहते। आज तो नहाने का साबुन और टॉवेल भी एक ही था। फिक्र मत करो, जिस दिन पानी नहीं आएगा उसके भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं डटा रहूंगा, पुलिस की नौकरी करता रहूंगा। अरे अपने देश की सेवा करने का इतना अच्छा मौका और कहां मिलेगा। एक साल के बाद ये सब बातें करना। 1 से 4 साल के बाद क्या होगा? नौकरी के पहले पहले साल में सब देशभक्त होते हैं। टीचर को लगता है कि विद्यादान ही सबसे बड़ा पुण्य है। विद्यार्थियों को पढ़ाकर वो देश की नींव डाल रहा है। एक डॉक्टर को लगता है कि वो देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर रहा है। और एक नया नया पुलिस वाला, उसे लगता है कि वो अकेला देश के कानून की रक्षा करता है। लेकिन नौकरी के 1 साल बाद टीचर अपने कोचिंग क्लासेस शुरू कर देता है, डॉक्टर अपनी क्लिनिक डाल देता है, और पुलिस वाला साहब आ गया। तू यहां से तू किसी को दिखता ही नहीं। अकेला है तू? दूसरा हवालदार नहीं है ना? किधर है वो? क्या ईश्वर? ईश्वर सलाम साहब। साहब आपके नाक को कुछ मालूम है मुझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं सर, वो टॉयलेट की तलाश कर रहा था। वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तो क्यों नहीं पूछ रहे आप? कान मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, आप अभी आए हैं खा पी कर बीवी के गोद में सोकर। जबान काबू में रखो तुम्हारी। जबान काबू में रखूंगा? लेकिन सुसु कैसे काबू में रखूंगा? तुम आज रात को भी ड्यूटी करोगे। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, क्या है रात को अंधेरा होता है और हम लोग जीप के पीछे भी जा सकते हैं। शायद खान yes, इसको आधे घंटे का ब्रेक दे दो और ब्रेक के बाद डे एंड नाइट लगा दो इसकी। और अगर ये 10 मिनट भी लेट आ गया तो पूरे दिन की तनख्वाह काटो इसकी। यस सर। शट अप। मैं क्या बोला? Get out! खुद ही गया। आराधना, मैं किचन में हूँ। तू हमेशा किचन में रहे, तू हमेशा ताश खेलते रहे। मेरा बेटा ताश खेलता है। आ गए तुम? अरे कहाँ हो तुम? मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम में आते आते बाथरूम चले जाते। आज जल्दी आ गए क्या? मुझे सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक है, मुझे वापस नाइट ड्यूटी पे जाना है। अरे मैंने सोचा नाइट करके आए हो तो आज दिन भर घर पर रहोगे तुम? क्या है? वो क्या है? मेरा बड़े साहब के साथ तगड़ा झगड़ा हो गया। हाँ अरे बाबा झगड़ा वगड़ा मत करना, अगर कहीं तुम्हारी ट्रांसफर हो गई तो बच्चों के कितने प्रॉब्लम हो जाएंगे पता है? लेकिन बच्चों। हाँ बाबू। मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा सर्कल तैयार हो गया है। हाँ हेमंत का तो हो गया लेकिन मेरा तो कोई सर्कल ही नहीं हो रहा है। तेरा सर्कल क्यों नहीं है? मेरे स्कूल के सारी लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड है लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि तुम हवालदार हो और पुलिस वालों से सब डरते हैं। अरे हवालदार हुआ तो क्या हुआ, मैं क्या उसे खाता हूँ? हाँ पिछले 3 बॉयफ्रेंड को आप अंदर कर चुके हैं। 3 बॉयफ्रेंड? मेरे ख्याल से तो एक ही बॉयफ्रेंड है। करो करो और नाइट ड्यूटी करो, बच्चे यहाँ क्या गुल खिला रहे पता नहीं आपको। ईश्वर छिन्ने, अरे अभी अभी वॉकी टॉकी पर खबर आई है कि बिट्टू टकले जेल से भाग गया है।
इसका मतलब जानते हो क्या है? मैं जानता हूँ क्या है। अपना टेलीफोन खराब है, नहीं तो वॉकी टॉकी पे क्यों खबर आती? शट अप शिंदे, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपके वॉकी टॉकी में बैटरी है। तुम दोनों अव्वल दर्जे की इडियट हो, इडियट। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि बिट्टू टकले पर हमें छापा मारना पड़ेगा। तो चलो। कहाँ? बिट्टू टकले पर छापा मारने के लिए। तुम जानते हो वो कहाँ है? टेलीफोन करके पूछ लेते हैं। किसको? बिट्टू टकले को कि तुम कहाँ हो। कैसे कैसे हवालदारों के साथ मुझे छापा मारना पड़ता है। क्या है रे, कितनी तकलीफ होती है इनको। बोले 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 सर। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स सर, यस सर। अभी अभी खबर आई है, बिट्टू टकलिया अपने डेन में है। तो जाइए, हम यहाँ देना आपके साथ। चल रहे, चल रहे, चल रहे, चलो।